डियर स्टूडेंट्स, आई सुरेश कुमार, प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज गुरु और सहाय, एम कमिंग टू यू विद ए सीरीज ऑफ लेक्चर्स ऑन योर 10+2 जनरल इंग्लिश कोर्स। आई एम अपलोडिंग माई दीज लेक्चर्स ऑन माई स्कूल यूट्यूब चैनल GSSS बॉय स्कूल गुरु और सहाय, सो दैट माई दीज लेक्चर्स मे रीच टू द all the students community. I request you to subscribe my school's YouTube channel GSSS by school Guru Sahai, so that you may get notifications whenever a new lecture is uploaded on it. I am also requesting you to share my lectures to your friends, so that they may get full benefit during the corona pandemic from my lectures and get good marks in the examination. So I am present before you with the new chapter of your course on saying please, written by A.G. Gardiner in your prose section. Now, I am coming to the point. First of all, I will discuss with you the brief summary of this chapter. Now, let's discuss. This essay deals with the small but important social incidents of our life. ऐसे जड़ा है ए लेख साडे जीवन दे विच छोटियां छोटियां समाजिक घटनावां परंतु महत्वपूर्ण घटनावां दे नाल संबंधित है। इट टेल जस द इंपोर्टेंस ऑफ टू वर्ड्स, ए सानू दो जड़े शब्द ने इन्हां दे महत्व बारे दसदा है, प्लीज एंड थैंक यू। इन अवर सोशल लाइफ, साडे जीवन दे विच इन्हां दी प्लीज ते थैंक यू जिहड़े शब्द ने इन्हां दे महत्व बारे दसदा है। दीज वर्ड्स हैल्प अस इन सोल्यूशन ऑफ मैनी प्रॉब्लम्स एंड सॉफ्टन अवर रूड बिहेवियर। ए जिहड़े शब्द ने ओ साडियां बहुत सारियां समस्यावां नूं हल करदे हन अते साडे जिहड़े रुखा वतीरा है उस नूं नरम बनाउंदे हन। अनप्लीजेंट वर्ड्स गिव डीपर पेन दैन दैट ऑफ फिजिकल पेन। जेड़े माड़े शब्द ने, काटवे शब्द ने, जेड़े चंगे नहीं हन, ओ सानू डूंगा दर्द, शरीरक दर्द नालों डूंगा दर्द दिंदे हन। द राइटर सेज दैट, लेखक कहिंदा है कि ए लिफ्ट मैन हरलड ए मैन आउट ऑफ हिज लिफ्ट ड्यू टू अनसिविलाइज्ड कंडक्ट ऑफ द पैसेंजर। हाँ, एक लिफ्ट मैन जड़ा सी उसने एक व्यक्ति नूं अपनी लिफ्ट दे विच्चों बाहर सुट दिता सी, क्योंकि उस जड़ा यात्री दा जड़ा आचरण सी जां व्यवहार सी ओ असभ्य सी। द राइटर डिड नॉट यूज द वर्ड प्लीज वाइल ही आस्कर द लिफ्ट मैन टू टेक हिम अप। ते जड़ा अपने यात्री सी, पैसेंजर सी, उसने लिफ्ट मैन नू उपर ले जान लई प्लीज शब्द दी वरतों नहीं कीती सी, प्लीज नहीं किया सी, कृपा करके उपर ले चलो नहीं किया सी। नेक्स्ट बेटा चलदे आं आपां। बट द आथर सेज दैट अनसिविलाइज्ड कंडक्ट इज नॉट ए क्राइम इन द आईज ऑफ लॉ। परंतु लेखक कहिंदा है कि कानून दीआं नजरां दे विच असभ्य वतीरा कोई अपराध नहीं है। इफ ए मैन फेल्ज डाउन ए परसन, जेकर कोई व्यक्ति किसी नूं गिरा देंदा है ड्यू टू हिज अनसिविलाइज्ड बिहेवियर उस दे असभ्य वतीरे करके, ही हैज वायलेटेड द लॉ बाई डूइंग सो, उसने अजिहा करके कानून की उलंघना कीती है। द लिफ्ट मैन वाज इन द रोंग, लिफ्ट मैन गलती ते सी, लिफ्ट चालक गलती ते सी। लॉ डज नॉट बिकम द गार्डियन ऑफ अवर सोशल सेंटीमेंट्स, कानून साडियां जिहड़ियां समाजिक भावनावां ने इस दा रखवाला नहीं बनदा। लॉ डज नॉट परमिट अस एक्सचेंज ऑफ वायलेंस इन केस ऑफ अदर परसन इज
अनसिविलाइज्ड। कानून जड़ा है सानू कोई व्यक्ति जेकर असभ्य है उस दे खिलाफ हिंसा हिंसात्मक गतिविधियां कम्मा जा हिंसा दी आग्या नहीं दिंदा। ला प्रोटेक्ट्स एन अनसिविलाइज्ड पर्सन इन केस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट हिम। कानून जड़ा है एक असभ्य व्यक्ति नू जड़ा है उस दे खिलाफ हुई हिंसा जड़ी है उस तो उसकी रक्षा करेगा। एन अनसिविलाइज्ड पर्सन मे बी कॉल्ड अनसिविलाइज्ड। एक असभ्य व्यक्ति नू असभ्य तो कहा जा सकता है बट ही कैन नॉट बी कंपेल्ड टू से प्लीज, परंतु उस नू प्लीज शब्द की वरतों करन लग्या मजबूर नहीं किया जा सकता। परहैप्स द लिफ्ट मैन फेल्ट हर्ट हिमसेल्फ एज ही कंसीडर्ड इट अनफेयर ब्लॉट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। शायद लिफ्ट चालक जड़ा सी उसने अपने आप नू मतलब जड़ा है ओ अपमानित होया महसूस किया होएगा ते अपने आप दे उत्ते उस परिस्थिति दे मुताबिक जड़ा है एक जड़ा है माड़ा तब्बा जड़ा है ओ महसूस किया होएगा। हैड द पैसेंजर बीन हर्ट और डैमेज टू हिज लिंब और आर्म। जेकर यात्री दा जड़ा है ओ बा जां हथ जां पैर टुट जांदा ला वुड हैव कॉट होल्ड ऑन द लिफ्ट मैन, तां कानून ने जड़ा है लिफ्ट चालक दे उत्ते अपना शिकंजा कस देना सी एंड वुड हैव टेकन अगेंस्ट एक्शन अगेंस्ट हिम ते उस दे खिलाफ सख्त जड़ा है कार्रवाई करनी सी। बट टू हर्ट सम बॉडी सेल्फ रिस्पेक्ट, परंतु किसी व्यक्ति दी स्वय मान नू मतलब जड़ा है ओ वलुंदरना उस नू मतलब जड़ा है ओ ठेस पहुंचाना गिवज ग्रेटर पेन ओ ज्यादा मतलब जड़ा है दर्द करदा है विच लास्ट इज लोंग जड़ा कि लंबे समय तक चलदा रहिंदा है। इफ ए सेल्फ रिस्पेक्टिंग मैन फील्ड अपसेट, जेकर कोई स्वय मानी व्यक्ति अपनी बेजती महसूस करता है जां ओ बेचैन हुंदा है ही रिमेन्ज इन रिवेंजफुल मूड ओ बदला लऊ मूड दे विच रहिंदा है अंटिल ही कूल्ज डाउन हिज टेंपर। जिन्नी देर तक ओ किसी हो कूल्ज डाउन हिज टेंपर ऑन अनदर परसन इन द सेम मैनर कि जिन्नी देर तक ओ अपना गुस्सा उसे ढंग दे नाल किसी होर दे उत्ते नहीं उतार लेंदा। नेक्स्ट गो अहेड। इवल मैनर ज स्टार्ट ए वीसीएस सर्कल, जेडे साडे बुरा चरण है साडे बुरे तौर तरीके ने माड़े तौर तरीके ने ओ एक कुचक्कर दी शुरुआत करदे हन। वीसीएस सर्कल हुंदा है कुचक्कर कुमन केरी जिन्हों कहने। द राइटर कोर्स एन इंसीडेंट फ्रॉम सर्डियंस प्ले, लेखक जड़ा है सर्डियन दे एक नाटक दे विचो द राइवल्स विचो एक जड़ी है ओ घटना दा इत्थे विवरण दिंदा है। सर एंटनी एब्सोल्यूट, सर एंटनी एब्सोल्यूट द फादर ऑफ कैप्टन एब्सोल्यूट जड़ा कि कैप्टन एब्सोल्यूट दा पिता सी अब्यूजी जी सन अपने जड़ा है बेटे नू मंदा बोलदा है उन्दे नाल रुखे वचन बोलदा है। कैप्टन एब्सोल्यूट स्कोर्ज हिज परसनल सर्वेंट फैग, ते कैप्टन जड़ा एब्सोल्यूट है ओ अपने निजी नौकर नू जड़ा है ओ बुरा भला कहिंदा है। फिग फील्ज रिलीफ, ते फिग जड़ा है ओदों मतलब जड़ी है ओ रिलीफ राहत महसूस करदा है बाय गोइंग टू सर्वेंट्स क्वार्टर्स, सर्व अपने नौकरां दे क्वार्टर्स दे विच जांदा है एंड किक्स ए लिटल बॉय अते छोटे जड़ा बच्चे दे ठुड्डा मारदा है इन दिस प्ले इट इज पॉसिबल दैट, इस नाटक दे इन दिस वे चाहिदा सी बेटा इन दिस वे, इस प्रकार इट इज पॉसिबल दैट ए संभव है द इम्पलॉयर इन हिज टर्न, जदों जड़ा है अपने जड़े इम्पलॉयर दी वारी आई होगी हैड बीन इंसल्टेड बाय हिज वाइफ, उस दी बेइज्जती उस दी पत्नी ने कीती होवे हू वाज सिंपली ट्राइंग टू वर्क ऑफ द टेंपर, जेड़ी की सिर्फ अपना गुस्सा जड़ा है
ਉਹ ਠੰਡਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਵਿਚ ਸ਼ੀ ਗੋਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਇਲ ਮੈਨਰਜ ਆਫ ਦਾ ਕੁੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੁਰੇ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਦ ਕੁੱਕ ਇਨ ਇਜ ਟਰਨ ਵਾਜ ਸੋਰ ਬਿਕਾਜ ਦ ਹਾਊਸ ਮੇਟ ਹੈਡ ਬੀਨ ਰਿਊਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਵੇ ਗਿਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਇਹ ਬੈਡ ਮੂਡ ਐਂਡ ਬੈਡ ਟੈਂਪਰ ਕਾਜ ਏ ਵਾਈਡ ਸਪਰੈਡ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਡ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਵਤੀਰਾ ਹੈ ਟੈਂਪਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੈਡ ਟੈਂਪਰ ਉਹ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਛੂਤ ਦੇ ਰੋਗ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਦੇ ਡੂ ਮੋਰ ਹਾਰਮ ਟੂ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਦੈਨ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ ਬਾਈ ਦਾ ਪੈਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਡੂ ਮੋਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਦਸ ਵੀ ਇਨਫੈਕਟ ਦਾ ਵਰਲਡ ਵਿਦ ਅਵਰ ਇਲ ਹਿਊਮਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾੜੇ ਵਤੀਰੇ ਕਰਕੇ ਮਾੜੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦ ਲਾ ਕੈਨ ਨਾਟ ਓਪਰੇਟ ਇਨ ਦਿਸ ਏਰੀਆ ਬਿਕਾਜ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੋ ਵਾਸਟ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਦਿਸ ਇਜ ਮਾਈ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਮਾਈ ਲੈਕਚਰ ਔਨ ਦਾ ਸਮਰੀ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਆਈ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਵਿਦ ਯੂ ਟੁਮਾਰੋ ਸਟੇ ਹੋਮ ਸਟੇ ਸੇਫ ਟੂ ਗੈਟ ਯੂਰ ਸੇਫ ਫਰੋਮ ਕਰੋਨਾ ਪੈਂਡਮਿਕ ਐਂਡ ਅਦਰ ਡਿਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਏਲਮੈਂਟਸ ਬਟ ਸਟੱਡੀ ਹਾਰਡ ਸੋ ਦੈਟ ਯੂ ਮੇ ਗੈਟ ਗੁੱਡ ਮਾਰਕਸ ਇਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਓਕੇ